दीपक चहर की बात करते हैं आशीष, उन पहले दो ओवर महंगे रहे पर जो वापसी करी उन्होंने एक बार फिर मानसिकता जो दिखा रहे हैं वो इसमें, आंकड़े आप छोड़ दीजिए एक तरफ राइट, मानसिकता जो दिखा रहे हैं कि पहले दो ओवर में डोमिनेट हुए हैं आप पर फिर भी वापस आए हैं, आपने अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ी है, आपने अपनी चतुरता नहीं छोड़ी है और फिर मिली आपको सफलता। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी फॉर्मेट में कि आप T20 जैसा आपने कहा कि पहला ओवर, पहले तीन ओवर आपके हो सकते हैं 15 रन के जाएं, दो विकेट लें और अब आप खड़े कि अच्छा आज मेरा दिन अच्छा जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है दिन, अगर आपने एक ओवर डाला वो भी 20 या 25 का जा सकता है, कैच छूट सकती है। पहले ओवर में छूटी थी उनकी, उनको लगा होगा शायद मेरा दिन नहीं है आज। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको तो लगे रहना पड़ता है और अगर मेहनत दे रहा तो हमेशा मानना कि मेहनत ऐसे खराब नहीं जाती गेंदबाज की, कि अगर वो लगे हुए हैं उन्होंने जैसे आपने कहा कि कमबैक करी, जो अच्छी चीज मुझे आके देख के लगी हसरंगा ने बॉल पे घुमाया और बात अलग है कि उनको रनों की आवश्यकता भी थी कि विकेट लेने के बाद ना इस तरीके की परिस्थितियों में एक दो बार मैंने पहले भी देखा है चहर को, वो एक्सपीरियंस किया तो और सीख रहे हैं आप इन्हें स्लोअर रनों की तरफ एकदम हो जाते हैं, अब दबाव बना हुआ है आपने एक विकेट लिया तो उन्होंने क्या किया 3 डंडों के बीच में रखी बॉल कि उधर उस समय छक्के मारना इतना आसान नहीं, ना छक्के से खेल पे उतना फर्क पड़ेगा पर आपका विकेट का चांस बनेगा, नहीं तो अक्सर देखा है गेंदबाज स्लोअर वन डाल दी, यॉर्कर डाल दी क्योंकि इनके पास इतनी पेस नहीं है कि यॉर्कर ना ऐसे डंडा नहीं निकलेगा, बोल्ड नहीं कर पाएंगे आप, सिंगल हो जाता है बल्लेबाज का तो लेंथ पे एक विकेट ले ली, तो वो धीरे धीरे जो चीजें हैं ना वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बाकी किस तरीके के गेंदबाज हैं वो तो हमने देख ही लिया है कि किस तरीके की स्विंग करते हैं, अब बात कैरेक्टर पे आ जाती है जब आप डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं। नकल बॉल नहीं डाली उन्होंने ना आज दिखाई नहीं, जरूरत ही नहीं थी मेरे हिसाब से, आपको कोई दिक्कत नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ी ना आपको, पर ये भी अच्छा है ना कभी कभी क्या है कि कभी कभी जो भारी औजार होते हैं ना छुपा के भी रखने चाहिए कि दूसरा सोचता रहे कि अभी निकालेगा, निकला ही नहीं ब्रह्मास्त्र, जेब में ही पड़ा हुआ है, अगले मैच में निकलेगा, इसमें खैर जरूरत नहीं पड़ी।